छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए आज से शुरू हुआ कोविड टीकाकरण अभियान। छत्तीसगढ़ को बनाया जाएगा जैविक राज्य। मुख्यमंत्री ने जैविक उत्पादों से स्थानीय लोगों को जोड़कर आर्थिक मूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। भिलाई 3 चरौदा नगर निगम के नए महापौर बने कांग्रेस के निर्मल कोसरे, कृष्णा चंद्राकर चुने गए सभापति। और जशपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर टूरिज्म की शुरुआत की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए आज से कोविड टीकाकरण शुरू हुआ। इस समूह में केवल कोवैक्सीन का टीका दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कोविड टीका लगाने के लिए 2000 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। रायपुर जिले के स्कूल कॉलेजों में ही टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। रायपुर जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने स्वयं ही आज कॉलेजों में पहुंचकर टीकाकरण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर टीकाकरण केंद्रों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। जिला कलेक्टर ने यह भी कहा कि फरवरी महीने तक जिले में 15 से 18 वर्ष आयु समूह के किशोरों का 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। आज हम पॉलिटेक्निक में हैं, ऐसे करीब 50 संस्थान हैं जहाँ पे आज से टीकाकरण चालू हो रहा है। आगे जाके इसकी संख्या बढ़ाई भी जाएगी। हमारा टारगेट है बच्चे जहाँ पे जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं वो अपने संस्थान में ही एक सुरक्षित वातावरण में टीका प्राप्त कर सकें। हमारा टारगेट ये भी है कि हम फरवरी 2020 तक इन सभी बच्चों का सेकेंड डोज भी कम्प्लीट कर सकें, और हमें पूरा भरोसा हम इसमें हासिल कर लेंगे। टीका लगाने पहुंचे किशोरों ने कोविड महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि ये टीका पूरी तरह सुरक्षित है और टीका लगाने के बाद उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। आज वैक्सीनेशन है हमारे कॉलेज में, जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जो आज 15 से 18 साल वाले लोग को वैक्सीनेशन लग रहा है, और जो कि कोरोना महामारी के बढ़ते हुए वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है। आज हमारे कॉलेज में 15 से 18 साल वाले लोग के लिए मतलब वैक्सीनेशन का प्रारंभ हुआ है, जिसे हम लोग को कोवैक्सीन का पहला डोज लगा है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये बिल्कुल सुरक्षित है। इसी तरह कबीरधाम जिले में भी किशोरों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। आज करपात्री जी हायर सेकेंडरी स्कूल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिविर लगाकर करीब 500 विद्यार्थियों का टीकाकरण किया गया। बच्चों ने बताया कि उनको भी काफी समय से वैक्सीन का इंतजार था और वैक्सीन नहीं लग पाने के कारण वे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं तो वैक्सीनेशन जल्द से जल्द लगवाएं, क्योंकि हमारे भारत सरकार इसके पीछे बहुत ही मेहनत कर रही है। टीका लगवाने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस हो रहा है, पहले डरती थी, अब नहीं डरती। जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने स्कूलों का दौरा कर बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपील की कि पात्र बच्चे जल्द से जल्द कोविड टीकाकरण कराएं। बेसिक रूप से हम लोगों ने सभी जितने भी स्कूल हैं, हमारे हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल, उनको हम लोगों ने एक सप्ताह के अंदर सभी स्कूलों को कवर करने के लिए कार्य योजना बनाई हुई है। उसके अंतर्गत आज टोटल 86 टीमें पूरे जिले में काम कर रही है। आज यहाँ 500 से ज़्यादा बच्चों को टीका लगाया गया है, और प्लान यही है कि हम आने वाले एक सप्ताह में पूरे बच्चों को कवर कर लें, 15 से 18 साल की उम्र वाले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जिन बच्चों का जन्म वर्ष 2007 या इससे पहले हुआ है वे सभी टीका लगवाने के पात्र होंगे। इस वर्ग के लिए कोविड टीके का पंजीकरण बीते 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। टीके के लिए बुकिंग ऑनलाइन या कोविड टीका केंद्र पर कराई जा सकती है। ये टीका सभी आय वर्गों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन जैसे निर्णय से पहले व्यापारियों के साथ ही सभी वर्गों से चर्चा की जाएगी, इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। आज रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अभी तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि नया वेरिएंट भले ही कम घातक है, लेकिन इसके बाद भी लोगों को सचेत रहना होगा। और इसमें फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, पूरे जो दुनिया में देखे जा रहा है और देश में जहां जहां हो रहे हैं। एक सर्दी खांसी बुखार जैसे जो लक्षण है इसमें, तो उस प्रकार के लक्षण हैं, लेकिन उस प्रकार से घातक नहीं है जो पहले और दूसरी लहर में थी। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ भी दो या तीन मौतें हुई है, तो जो पहले पीड़ित थे कोरोना से उनकी मौतें हुई है। लेकिन इसे ओमिक्रॉन से हमारे यहाँ तभी आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ, क्योंकि इसके जांच के लिए भारत सरकार ने जो हमको सेंटर दिया वो भुवनेश्वर है, उड़ीसा में हम सैंपल भेजते हैं, वहाँ से अभी तक की छत्तीसगढ़ से कोई पॉजिटिव नहीं आया है। लेकिन पूरे देश भर में फैल रहा है, और जिस प्रकार से दिल्ली में, मुंबई में, अन्य राज्यों में जो देखने को हमको मिल रहा है, जिस तेजी से फैल रहा है, हम लोगों में सचेत रहने की आवश्यकता है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की आपात बैठक लेकर कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। श्री बघेल ने कहा कि बढ़ते मामलों से तीसरी लहर के संकेत मिल रहे हैं, ऐसे में निश्चित तौर पर मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना मरीजों की जल्द से जल्द पहचान और तत्काल इलाज कर स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। साथ ही श्री बघेल ने अस्पतालों में इलाज संबंधी सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को कहा। मुख्यमंत्री ने इस महामारी से बचाव के लिए बड़े आयोजन और सभाओं पर रोक लगाने की जरूरत बताई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को जैविक राज्य बनाया जाएगा। उन्होंने हरियाली और अर्थव्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने जैविक उत्पादों से स्थानीय लोगों को जोड़कर आर्थिक मूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने की जरूरत बताई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज रायपुर स्थित उनके निवास स्थान पर प्रगतिशील अवधारणा को गति देने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रीन काउंसिल की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में न्यू एज ग्रीन इकोनॉमी के तहत लाइवलीहुड से स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि के लिए कार्य करने पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान श्री बघेल ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ की हरित राज्य के रूप में ब्रांडिंग, जैविक उत्पादों के मार्केट लिंकेज, प्रशिक्षण के माध्यम से स्वसहायता समूहों की क्षमता निर्माण, जिलों की विशेषता के अनुसार विकास और स्थानीय निवासियों को जोड़कर आर्थिक मूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 3 वर्षों के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पर्यावरण हितैषी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके तहत वनोपजों के माध्यम से स्थानीय वनवासियों की आय में वृद्धि और लघु वनोपजों में वैल्यू एडिशन प्रारंभ की गई है, जो पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण को गति दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। पराली न जलाकर उसका उपयोग चारे के रूप में करने से कार्बन उत्सर्जन में कमी ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सिक्किम के बाद दूसरा जैविक राज्य साबित हो सकता है। श्री बघेल ने बैठक में कहा कि स्वसहायता समूहों द्वारा जो उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, उनकी मार्केटिंग और प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में विशेषज्ञ कंपनियों की सेवाओं को लेने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि बहुत से स्वसहायता समूह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण देकर नया कौशल सिखाया जा सकता है। उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि स्वसहायता समूहों के माध्यम से सोलर पैनल और जड़ी बूटियों से वनौषधियां तैयार कराई जा सकती हैं। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तीन महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी, क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो, अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। भिलाई 3 चरौदा नगर निगम के नए महापौर और सभापति चुन लिए गए हैं। नव निर्वाचित पार्षदों ने आज मतदान किया, जिसमें कांग्रेस के निर्मल कोसरे चरौदा नगर निगम के नए महापौर बने। इस चुनाव में श्री कोसरे को 24 वोट मिले, वहीं भाजपा के उम्मीदवार नंदिनी जांगड़े को 16 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के कृष्णा चंद्राकर ने 24 वोट हासिल कर सभापति का चुनाव जीत लिया। महापौर और सभापति के चुनाव के पहले जिला निर्वाचन अधिकारी और दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने नव निर्वाचित 40 पार्षदों को शपथ दिलाया। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जशपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कदम उठाए जा रहे हैं। जिले के कुनकुरी विकास खंड के मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर टूरिज्म की शुरुआत की गई है। शुभारंभ अवसर पर संसदीय सचिव UD मिंज, जिला कलेक्टर रितेश अग्रवाल और DFO श्री कृष्ण जाधव सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर श्री मिंज ने कहा कि जशपुर के मयाली नेचर कैंप में पैरामोटर, हॉट एयर बलून, ATV राइड, बोनफायर की शुरुआत हो रही है, जो कि 2 महीने तक चलेगा। वहीं जिले के बगीचा, सन्ना और पंडरापाट क्षेत्र में भी एडवेंचर तथा ट्रैकिंग के लिए संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। तो यहाँ लगातार हम लोग उस चीज़ को रखें, उस चीज़ को करें। बच्चों की ट्रेनिंग भी हम कराना चाह रहे हैं इसी दरमियान। इस बार जो प्लानिंग हमने पिछले वर्ष किया था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाया था। इस वर्ष हम कोशिश में है कि वो हो जाए। और लैंड इवेंट्स, वाटर इवेंट्स, सारे चीज़ हम लेके मयाली को इसलिए फोकस किए कि हम एयर इवेंट्स भी ले पा रहे हैं, वाटर इवेंट्स भी ले पा रहे हैं। पीछे हमारा मधेश्वर पहाड़ है, तो वहाँ ट्रैकिंग वगैरह भी हम कर पाएंगे। विशेषज्ञ लोग अभी आ ही रहे हैं और धीरे धीरे इसकी शुरुआत किया जाएगा। वहीं कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा कि जशपुर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, साथ ही यहाँ उद्यानिकी और कृषि क्षेत्र में भी नए अवसर हैं। ये आज एक शुरुआत है माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में, और आज वाटर बेस्ड, एयर बेस्ड और लैंड बेस्ड एक्टिविटीज शुरुआत की जा रही है मयाली नेचर कैंप में। इसी तरीके से जो यहाँ के विभिन्न टूरिज्म स्पॉट्स हैं, चाहे सन्ना हो, चाहे वाटरफॉल्स हो, मगर वाटरफॉल हो, राजदा रानीदा हो, इस तरीके से जितने भी हमारे यहाँ पर टूरिज्म के साइट्स हैं, सभी को डेवलप किया जाएगा और इस तरीके की एक्टिविटीज़ लगातार यहाँ पर कराई जाएगी, जिससे बाहर के जो टूरिस्ट हैं वो जशपुर को जान सकें, पहचान सकें और जशपुर की जो स्टोरीज़ हैं वो बाहर देश दुनिया तक जा सकें। एडवेंचर टूरिज्म के शुभारंभ के अवसर पर आमंत्रित अतिथियों ने पैरामोटर में उड़ान भरी और इसे बहुत ही अच्छा अनुभव बताया। अतिथियों ने कहा कि एडवेंचर टूरिज्म जशपुर को नई पहचान देगा। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए आज से शुरू हुआ कोविड टीकाकरण अभियान। छत्तीसगढ़ को बनाया जाएगा जैविक राज्य। मुख्यमंत्री ने जैविक उत्पादों से स्थानीय लोगों को जोड़कर आर्थिक मूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। भिलाई 3 चरौदा नगर निगम के नए महापौर बने कांग्रेस के निर्मल कोसरे, कृष्णा चंद्राकर चुने गए सभापति। और जशपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर टूरिज्म की शुरुआत की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।